हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन पे मार्केट पे एक न्यूज़ आई थी कि जो FPIs है उन पर सरचार्ज हटाने की बात चल रही है। सीधा PMI से ये बात आई थी। और गाइस, दूसरी बात ये थी कि जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग थी जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज की, उसको भी कम हटाने की शायद बात चल रही थी। तो उसकी वजह से हमने देखा था कि मार्केट अपने लोअर लेवल से रिकवर करने में कामयाब हो गया था, पर तब भी 11,000 के नीचे बंद हुआ। गाइज, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं कल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, जाके आप ज़रूर देखिए। उसे मेरे चैनल पे जा सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस जाके देखेगा। गाइज, उसी के साथ ये 5 स्टॉक्स हैं जो आप मंडे के मार्केट में, जब 5 अगस्त को मार्केट ओपन होगी, तो आप खरीद सकते हैं और इन पर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। गाइज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 5 स्टॉक्स मैं आपके लिए जब भी अब लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, उसको आप कब ट्रेड करें अगर आपको नहीं पता, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं वो बाइंग प्राइस के ऊपर निकल गए हैं या खुलते समय ही नीचे आ चुके हैं, तो कब बाय करना है, तो गाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर मैं ये यूट्यूब की 5 स्टॉक्स की आपको बताते रहूँगा कि आपको कैसे बाय करने हैं, कब बाय करने हैं, किस तरीके से बाय कर सकते हैं, और 1-2 कॉल्स भी आपको प्रोवाइड हो जाया करेंगी अगर आप चाहते हैं तो। सो गाइज़, मेरे आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, जाके उसे फॉलो कर लीजिए और आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ट्रेड डीलर्स करके है, आप जाके वो एक बार देख सकते हैं। जो गाइस, उसी के साथ 5 स्टॉक्स कौन से हैं आप देख सकते हैं। इन्फोसिस बाय करने की सलाह, 775.6 पे क्लोज हुआ है, 782-789 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 767 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। IGL बाय करने की सलाह दी जाएगी, 312-317 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 303 के स्टॉप लॉस के साथ आप IGL को बाय करके चल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने की सलाह दी जाएगी, 3714 के हमने देखा है क्लोजिंग है, 719-724 तक की इसकी जाने की हम देखते हैं टारगेट अचीव हो सकता है कल के कल, पर इसका जो एक अल्टीमेट टारगेट चार्ट के अंदर निकलते हुए आ रहा है 2-3 दिन के पर्पज अगर आप होल्ड करते हैं तो 740 है, तो आप उसके पर्पज से भी इसे होल्ड करके चल सकते हैं। HDFC बाय करने की सलाह दी जाएगी, रिजल्ट्स भी हमने देखा था अच्छे खासे आए थे और बहुत ज़्यादा डीप डाउन करेक्शन इसमें हमने देखने को मिल गया है। सो गाइज, ये एक अल्टीमेट बाय बनता है मेरी तरफ से, पर मैं ये चाहता था कि अगर ये 2000 का लेवल छू लेता तो वहाँ से एक बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी बन जाती है, पर 40-50 रुपये के चक्कर में हमने देखा वहाँ से एक रिकवरी आ गई। बाय करने की सलाह, 2133-2141 के टारगेट्स के साथ स्टॉप लॉस आपको 2113 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लास्ट कैनफिन होम्स बाय करने की सलाह, 384-388 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन कर सकते हैं 374 का मेंटेन कर सकते हैं। गाइज, ये 5 स्टॉक्स आप इंट्राडे में वर्क कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, पर आप अगर मेरी निफ्टी की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट रह सकती है। गाइज, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट वीक से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर गई है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, हमने देखा ट्रेड वॉर की जो टैरिफ वापस दोबारा बढ़ा दिया गया है, ये बहुत से ऐसे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी मार्केट को अभी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ने के लिए नहीं देंगे। सो गाइस, एक मैं आपको अभी भी इसमें रेंज बता देता हूँ, 10,800 से लेके 11,200 या 11,300 की रेंज है। एक बार आप वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे किस तरीके से मैं आपको चार्ट्स में बता रहा हूँ, टारगेट परफेक्ट स्टॉप लॉस आपको सब उसमें मिल जाएंगे। और गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन पर जाके मेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक स्टॉक की एनालिसिस है, जाके देखिए, लिंक के अंदर क्लिक करके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ट्रेड डीलर्स मेरा टेलीग्राम लिंक है, जाके आप ज्वाइन हुए और आपको वहाँ पर इंट्राडे पे सपोर्ट मिलेगा, लाइव सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ आपके साथ हर दिन शेयर होती है।